सिद्धार्थनगर जिले पुनः एक बार समाजवादी पार्टी से लालजी यादव को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा एसके मैरिज हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व राज्यसभा सांसद डुमरियागंज विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि बांसी कस्बे में स्थित यस के मैरिज हॉल में लालजी यादव को 5वीं बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व सांसद आलोक तिवारी, विधायक सईदा खातून, निवर्तमान नपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी, पूर्व नपाध्यक्ष चमन आरा, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, विजय अग्रहरी, अफसर रिजवी सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष लालजी यादव का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। मैं समाजवादी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को संगठित करके बढ़िया कमेटी बना के बूथ सम्मेलन कराकर और संघर्ष के माध्यम से जनता में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोध करके जनता को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि बीजेपी समय बड़ी पार्टी बन चुकी है, अगर 2024 का चुनाव बीजेपी जीतती है तो शायद 2029 में लोकसभा चुनाव ही ना हो, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सही है, लोकसभा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ही ये चुनाव है विपक्षियों का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।